चाय पे चर्चा आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिक्र मैं कॉफी का करना चाहूंगी। वैसे शगुफ्ता, आपको याद है कि हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि कॉफी से दुनियादारी चलती है और चाय से रिश्ते बनते हैं। हाँ, ये तो लेकिन आपको पता है कि पंजाब में अब पुलिस कॉफी के जरिए रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही है, बताइए जरा कैसे। दरअसल देखिए, ये कहानी जो है वो आई है फरीदकोट से सामने। यहाँ पर पुलिस से युवाओं को जोड़ने के लिए एक अनूठी सी मुहिम जो है वो शुरू की गई है। इस मुहिम का नाम है कॉफी विद SSP। क्या मुहिम है, इसकी खासियत क्या है और इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपको चाहिए, वो देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कॉफी विद SSP सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हो रहा है पंजाब के फरीदकोट में। यहाँ की SSP अवनीत कौर ने एक अनोखी पहल शुरू की है। इस अनोखी मुहिम के तहत कॉलेज और स्कूलों के छात्र छात्राओं को कॉफी पर बुलाया जाता है और उनसे कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसका मकसद बेसिकली यूथ के साथ जुड़ने का है, क्योंकि जैसे यूथ हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है, उसमें चाहे ड्रग्स ले लें या कुछ भी ले लें, तो एक पॉजिटिव इंटरेक्शन करने के मकसद से शुरू किया गया है। खौफ की वजह से लोग पुलिस के पास आने से घबराते हैं, इसलिए पुलिस और पब्लिक के बीच की खाई को पाटने के लिए सूबे की SSP ने अनोखी तरकीब अपनाई है और इसका फायदा भी नजर आने लगा है। फरीदकोट पुलिस स्टूडेंट्स के सुझावों पर अमल भी करती है। जनरली अगर हम कहें कि जो गैंगस्टर्स भी हैं आजकल के, वो यूथ को टारगेट करते हैं, लेकिन हम क्यों ना उनके ऑपोजिट एक कैंपेन चलाएं, जिसमें हम भी उनसे अच्छी बातें करके उनको ये जो एक गैप बन जाता है कि बार पुलिस और पब्लिक के बीच में, उसको दूर किया जाए और उनसे जो अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको लेके हम पुलिसिंग को भी और जो अच्छी उनके सजेशन आते हैं वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्लस उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी SSP अवनीत कौर की पहल से काफी खुश हैं और उन्हें ये लगने भी लगा है कि उनकी समस्या सुनने वाला कोई है। जी असी मान लो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम दसांगे, जिवें हम असी कॉलेज बारे गल की जाए, ड्रग्स बारे जो भी गल की है, उन्होंने साड़ी गल समझी, सानू समझाया भी है कि साढ़े तो कुछ भी मतलब पूछने की कोशिश की है कि सानू किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई। कॉफी विद SSP कार्यक्रम का आयोजन हर हफ्ते करने का प्लान फरीदकोट पुलिस ने बनाया है। पुलिस को उम्मीद है कि कई भटके हुए नौजवानों को इस मुहिम से मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी। युवा भी इस कार्यक्रम से जुड़कर गर्व महसूस कर रहे हैं। SSP अवनीत कौर पंजाब की पहली ऐसी महिला पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। ऐसे में उनकी इस मुहिम की चर्चा चारों तरफ हो रही है। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त है आपको वो दिखाने का जो ये लड़कियां अपने फोन में देख रही हैं, यानी आपको दिखाएंगे इंस्टा स्टोरीज। यार मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का ना बड़ा अजीबो गरीब रिश्ता है। कैसे? वो अजीब है, मैं गरीब हूँ। लक्ष्मण है बेटा, दे। ओ, ए, ओ, नहीं बोलना, बोल। ओई, नहीं बोलना। ओई, 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 बा, 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 ए, बा, बा, बा। एक चिड़ा था, एक चिड़ी थी, फिर उन दोनों का ब्याह हो गया, फिर वे चिड़चिड़े हो गए। तो अब आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा, तो सोच समझ कर जवाब देना। कुछ भी पूछ सकते हो आप। तो बताओ, जिंदगी में क्या खोया है और क्या पाया है? सर, जिससे मिठाई बनती है वो खोया है और जो चारपाई में लगा होता है वो पाया है। एक गिलास पानी लाना। बेबी, कोल्ड कॉफी पियोगे? कोल्ड कॉफी? आइसक्रीम वाली। आइसक्रीम वाली? वो भी पानी आया ना, पी लो। एक अजीब तोहफा है चाय भी, ये बात सिर्फ चाय पीने वाला ही बता सकता है। देखिए ना, चाय और आपसे बातों में वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। काश कि हम भी चाय हो जाते, वक्त बेवक्त आपको याद आ जाते। लेकिन मेरी याद आए ना तो फिर क्या करना है, इंस्टाग्राम मैं ही मैं हूँ वहां पर, देख लेना। देखिए, विचारों को केवल पढ़ने से परिवर्तन नहीं होता है, विचारों पर चलकर परिवर्तन आता है। तो अच्छे विचारों वाली चाय कल फिर लेकर आएंगे 5:00 PM गुड न्यूज सुबह पर।
की आग, अशांति का राग। कहां से आए अमन के दुश्मन, किसके पत्थर, किसके हाथ, कौन खड़ा है दंगाइयों के साथ, राजस्थान को लगी किसकी नजर। गुड न्यूज के गुनेगारों से हम पूछेंगे सवाल, देखिए 7 बजे 7 सवाल अनंत भट्ट के साथ। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं GMT यानी गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर। इन एसोसिएशन विद शेरा कॉमेट, शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। देश भर में हीट वेव और आने वाले मानसून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अहम बैठक, सभी तैयारियों का लिया जायजा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, 9 और 10 मई को होने वाले NTPC एग्जाम के परीक्षार्थियों के लिए देश भर में चलाई जाएंगी 65 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। बंगाल दौरे के पहले ही दिन सीएम ममता बनर्जी पर बरसे गृहमंत्री अमित शाह, रैली में किया जुबानी वार, बोले 3 बार चुने जाने के बाद भी नहीं किया खुद में सुधार, बंगाल में खत्म करेंगे घुसपैठ। अब दिल्ली स्टार्टअप बनेगी कैपिटल, केजरीवाल सरकार ने लॉन्च की स्टार्टअप पॉलिसी, कहा युवाओं की मदद करेगी सरकार, फ्री बिजली सब्सिडी का भी होगा ऑप्शन। दसवीं और बारहवीं कक्षा के 5 लाख विद्यार्थियों को हरियाणा सरकार ने बांटे हैं टैबलेट, सीएम खट्टर ने कहा जय जवान जय किसान जय पहलवान के बाद अब जय विज्ञान के सिद्धांत पर आगे बढ़ेगा हरियाणा। जम्मू कश्मीर को लेकर परिसीमन आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, वैष्णो देवी और कटरा समेत 90 विधानसभा सीटों पर करवाए जाएंगे चुनाव, कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट आरक्षित। पाकिस्तान से रची गई साजिश फेल, ड्रोन से आए बारूद और हथियार, हरियाणा के करनाल से 4 आतंकी गिरफ्तार। युद्ध के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा कदम, रूस के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए लॉन्च किया ग्लोबल फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म। आपको कहाँ जाना है का अंग्रेजी अनुवाद, Where do you want to go? बोलने से नए रास्ते खुलेंगे, गूगल से बोलिए क्योंकि बोलने से सब होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और GNT स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। GNT स्पेशल में आज बात बाबा भोले के पवित्र धाम केदारनाथ की करेंगे। कल यानी शुक्रवार सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केदार धाम की यात्रा को लेकर शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है और केदारपुरी दर्शन के लिए तैयारी भी पूरी हो चुकी है। प्रशासन ने भी तीर्थ यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा है और इस बार यात्रा को लेकर कुछ नए नियम कायदे बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा और भी आसानदायी हो। बाबा केदार का जयकारा, हर ओर बम बम भोले की गूंज, सज चुका है बाबा केदार का दरबार।
कपाट खुलने की शुभ घड़ी का इंतजार। चंद घंटे रह गए हैं जब भगवान भोलेनाथ के पवित्र धाम केदारनाथ मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। तैयारियां पूरी हैं। कोरोना काल की सभी पाबंदियों के हटने के बाद इस बार जहां भक्तों का जोश हाई है, बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली अपने अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गौरीकुंड के गौरा माई मंदिर पहुंच गई है। यहां से बाबा की उत्सव डोली अपने ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए केदारनाथ पहुंचेगी, जहां मंदिर के कपाट सुबह 6:25 पर आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। रात्रि विश्राम के बाद भगवान शंकर की प्रतिमा को सुबह तप्त कुंड में स्नान कराया जाएगा। इसके बाद भगवान शंकर और मां गौरा की प्रतिमा का अभिषेक किया जाएगा। पूजा पाठ और आरती के साथ ही भगवान शंकर और मां गौरा को भोग लगाया जाएगा। इसके बाद डोली केदारनाथ मंदिर के लिए रवाना हो जाएगी। कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा भी शुरू हो जाएगी। बाबा के दर्शन करने आने वाले यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के दिन यानी 6 मई से ही केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो रही हैं। इस बार 9 हेली सेवाओं के जरिए गुप्तकाशी, जाखधार, फाटा, बड़ासू, शेरसी और सोनप्रयाग के भक्तों को लेकर केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे। बाबा केदार के दर्शन के लिए आए भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे देखते हुए इस बार टोकन व्यवस्था की गई है। इससे यात्रियों को लंबी लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टोकन नंबर को डिस्प्ले करने के लिए मंदिर परिसर में कई स्क्रीन लगाई जा रही हैं। यात्रियों को MI-26 हेलीपैड पर ही टोकन दिए जाएंगे। इसके लिए पुलिस, होमगार्ड और DDRF के जवान तैनात रहेंगे। प्रत्येक कूपन का अलग कोड नंबर होगा। यात्रियों की संख्या के हिसाब से टोकन का वितरण होगा। अनुमान है कि मई के आखिरी सप्ताह से जून दूसरे सप्ताह तक यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 30,000 से 35,000 हो सकती है। केदारनाथ मंदिर के 2 दिन बाद 8 मई को सुबह 6:25 पर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोलने से पहले तैयारी जोर शोर से चल रही है। कोविड काल के बाद पहली बार बिना पाबंदियों के शुरू हो रही चार धाम यात्रा को हाईटेक बनाने के लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। इस बार चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को अपना पंजीकरण कराना जरूरी होगा। साथ ही यात्रियों को सुरक्षा के मद्देनजर एक हाईटेक हैंडबैंड दिया जाएगा। जो यात्री मोबाइल ऐप से अपना पंजीकरण कराएंगे, उनके मोबाइल पर QR कोड आएगा। हैंडबैंड को स्कैन करते ही प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों को यात्री की पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। बाबा केदारनाथ का ये धाम अपनी खूबसूरती के चलते हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन इस इलाके की भौगोलिक परिस्थितियाँ तीर्थयात्रियों की शारीरिक क्षमता की परीक्षा भी लेती हैं। समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर मौजूद केदारनाथ धाम में कब मौसम किस करवट बदल जाएगा, ये कहना मुश्किल है। यहाँ पूरे सीजन ठंड का माहौल रहता है। जरा सी लापरवाही सेहत ही नहीं, जान पर भी भारी पड़ सकती है। प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा पर आ रहे यात्रियों से स्वास्थ्य को लेकर एहतियात बरतने की अपील की है। एक सप्ताह से केदारनाथ में दोपहर बाद अक्सर बारिश हो रही है, जिससे इन दिनों काफी ठंड है। ऐसे में मैदानी क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को कई बार स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं, लिहाजा सेहत का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। बिना पंजीकरण यात्रा न करें और अपना हेल्थ चेकअप करा लें। डॉक्टर की ओर से लिखी गई दवाएं पर्याप्त मात्रा में रखें। गर्म कपड़े साथ में लेकर आएं। स्नो इफेक्ट कम करने वाले चश्मों का प्रयोग करें। हार्ट, श्वास रोग, मधुमेह, हाई एल्टीट्यूड संबंधी रोग से पीड़ित लोग विशेष सावधानी बरतें।
धूम्रपान और मादक पदार्थों का सेवन न करें। गौरीकुंड से आगे बढ़ने से पहले हल्का योगाभ्यास करें। पैदल मार्ग पर तेज चलने के बजाय धीरे धीरे चलते रहें। इन बातों का ध्यान हर तीर्थयात्रियों को रखना चाहिए, भले ही वो किसी भी उम्र के क्यों न हो। तीर्थयात्रा पर आने वाले यात्रियों की तबीयत बिगड़ने के जो मुख्य कारण हैं, वो भी जानना जरूरी है। बिना डॉक्टरी सलाह के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग, दिल की धड़कन तेज होने के बावजूद चलते रहना, पर्याप्त गर्म कपड़ों का उपयोग नहीं करना, पैदल मार्ग पर जंक फूड का सेवन। तो अगर आपने भी भोले के सबसे बड़े दरबार में हाजिरी लगाने और बाबा के दर्शन करने का मन बनाया है, तो सेहत से जुड़ी इन सावधानियों और सुझावों का ध्यान रखिए और भोले का जयकारा लगाइए। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गौरीकुंड से शुरू हुई केदारनाथ धाम की 21 किलोमीटर लंबी यात्रा श्रद्धालुओं से पटी पड़ी है। लोग हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे लगातार बढ़ रहे हैं। दरअसल कोरोना काल के 2 साल के बाद जब पहली बार शिव भक्त केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो बाबा का दरबार बदला बदला सा नजर आएगा। केदारनाथ धाम को संवार कर सुंदर बना दिया गया है। कितनी बदल गई है केदारपुरी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अलौकिक चारों ओर विहंगम दृश्य, भव्यता को समेटे यह है केदारनाथ का दरबार। भगवान शंकर में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ कण कण में अपने आराध्य का एहसास होता है। ये मंदिर 3 ओर से ऊंची हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से अलंकृत है। वहीं मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदियों का इसे सानिध्य मिला है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से चारधाम यात्रा रुकी रही। श्रद्धालुओं को केदारनाथ के दर्शन का बेसब्री से इंतजार था, जो अब खत्म हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार देश के कोने कोने से श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। कोरोना काल के बाद जब शिव भक्त केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो केदारनाथ धाम का दरबार बदला बदला सा नजर आएगा। केदार धाम को संवार कर सुंदर बना दिया गया है। आपदा के बाद से केदारनाथ धाम के पुनरुत्थान का काम किया गया। केदारनाथ धाम को सजाने संवारने के साथ साथ इसे जोड़ने वाली सड़कों और रास्तों का भी कायाकल्प कर दिया गया है। केदारपुरी का पुनर्निर्माण पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है और अब केदारपुरी नए कलेवर में निखर चुकी है। नए केदारपुरी के निर्माण का काम करीब करीब 90% पूरा हो चुका है। अपनी केदारधाम यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण समेत करीब 320 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था, जिनमें आदि शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती नदी पर घाट निर्माण, तीर्थ पुरोहितों के आवास, मंदाकिनी नदी पर सुरक्षा दीवार और गरुड़ चट्टी पैदल मार्ग पर पुल का निर्माण शामिल है। इस साल गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम के बीच 9 कंपनियां हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया करवा रही हैं। वहीं बीते कुछ सालों में पैदल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। रास्ते पहले से ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। केदार धाम पहुंचने वाले रास्तों पर कई जगह हाईवे का निर्माण हो चुका है। कई जगहों पर ऑल वेदर हाईवे का भी निर्माण हो चुका है। पहाड़ पर अचानक मौसम खराब होने का खतरा बना रहता है, लिहाजा श्रद्धालुओं के लिए टेंट जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश हाई रहता है। अब तक 2,50,000 से ज्यादा यात्री रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। सबसे ज्यादा 1,00,000 से ज्यादा यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि 1,03,000 लोगों ने बद्रीनाथ के लिए। 2 वर्ष से आपको तो पता ही है कोरोना काल चल रहा था, और उस कोरोना काल के अंतिम में माननीय देश के प्रधानमंत्री ने श्री केदारनाथ जी की यात्रा की थी, और उस यात्रा काल में उन्होंने पूरे भारत ज्योतिर्लिंगों को पूरे देश में जो जोड़ने का काम किया था और जो संदेश दिया था धर्म के बारे में, तो वो एक ऐसा संदेश गया कि आज यात्रियों की संख्या यहाँ पर इतनी बढ़ गई है, और जो भी यात्री यहाँ पर आ रहा है भाई, ये मोदी का केदार, जहाँ हमको 8-8 घंटे ऋषिकेश से आने में लगते थे, हम 5 घंटे में पहुँच रहे हैं, तो ये अपने में एक अद्भुत है। और केदार को आगे बढ़ाने में, पूरे विश्व पटल में ले जाने में जो मोदी जी का ये प्रयास है, तो ये उसका तो पूरा देश में सराहनीय और प्रशंसा कर दी जानी चाहिए, और कर रहे हैं लोग। बीते 5 साल में 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ आना उनकी आस्था को दिखाता है।
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार केदारनाथ के दौरे किए हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके नई केदारपुरी बनाने का संकल्प लिया था, जिस पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। 5 नवंबर 2021 को पीएम मोदी केदारधाम गए थे, तब उन्होंने केदारधाम के गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजा अर्चना की थी और मंदिर की परिक्रमा कर भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी। इस दौरान पीएम ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया था। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी को जब भी समय मिलता है तो बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए चले जाते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत 3 मई से हो चुकी है और अब से कुछ ही घंटों के बाद केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारधाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भगवान शंकर शिवलिंग रूप में विराजित हैं। ये धाम 6 महीने देव पूजा के लिए और 6 महीने नर पूजा के लिए खुलता है और बंद होता है। हिंदू आस्था के इस केंद्र का पौराणिक महत्व जानने के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बारह ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ धाम, जो सदियों से है हिंदू आस्था का केंद्र। इस धाम की मान्यता है कि इसे पांडवों के वंशज जन्मेजय ने बनवाया। इस शिवधाम में भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग है। इस शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि महाभारत काल में महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने आत्मिक मुक्ति के लिए देवभूमि का रुख किया और जब शिव दर्शन का पांडवों ने प्रयास किया तो भगवान शंकर गुप्त काशी के पास बैल के रूप में बदल गए। भीम ने बैल रूपी शिव को पहचान लिया और उनको पकड़ने की कोशिश की तो शिव धरती में समाहित हो गए। कहते हैं कि भगवान शंकर धरती पर 5 जगहों से निकले, जिन्हें पंच केदार कहा गया। इनमें रुद्रनाथ में भगवान का मुख, तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाएं, मध्य भाग मध्य महेश्वर में, कल्पेश्वर में जटाएं और केदारनाथ में पीठ निकली, जहां भगवान शिव के भव्य मंदिर हैं। पंच पांडव और कौरवों में एक युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र में बड़ा युद्ध हुआ, वहां पांडवों के द्वारा ब्रह्म हत्या हो गई और कृष्ण भगवान ने उनको मार्ग दिया कि आप जो है भगवान केदार के दर्शन करो, भगवान शंकर के दर्शन करो, आपके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वहां केदार बाबा, जैसे ही पंच पांडव पहुंचे केदारनाथ की भूमि में और केदार बाबा ने जो है एक भैंस का रूप लिया, भगवान सीधे अपनी धरती में चले गए और भगवान का जो मुख है, वो भगवान का पशुपतिनाथ में निकला और भगवान का पीछे का पृष्ठभाग जो है बाबा केदार में रहा। चार धामों की तरह ही ठंड में केदारनाथ भी बर्फ से जम जाता है, इसीलिए भगवान शिव उखी मठ ओंकारेश्वर धाम आ जाते हैं और फिर गर्मी आते ही हर साल भगवान केदार की पंचमुखी प्रतिमा की डोली धूमधाम के साथ उखी मठ से केदारनाथ पहुँचती है, जहाँ सुबह शिवलिंग को स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। इसके बाद धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है और फिर मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। लेकिन बाबा केदारनाथ के दर्शन के पहले मंदिर के बाहर ही विराजमान नंदी की पूजा होती है, इसके बाद ही भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। केदारनाथ के मौसम को देखते हुए वहां आने वाले भक्तों के लिए अब पहले से काफी बेहतर इंतजाम किए जा चुके हैं, ताकि दर्शन के दौरान भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चारधाम यात्रा के पहले चरण में 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। पहले खबर ये आई कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए रोजाना दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या तय कर दी, लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया कि अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया। महामारी के बावजूद लोगों का उत्साह इस यात्रा को लेकर कम नहीं पड़ा और बड़ी संख्या में लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं।
और यमुनोत्री धाम के खुले कपाट। जयकारों से गूंज उठे धाम। दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। कोरोना महामारी की वजह से करीब दो साल बाद जब भक्तों के लिए चार धाम यात्रा के रास्ते पूरी तरह से खुले तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। तीन दिन पहले अक्षय तृतीया के दिन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगोत्री धाम के कपाट 11:15 पर और यमुनोत्री के कपाट 12:15 पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए। इस बार काफी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि दो साल जो कोविड काल रहा जिसमें तीर्थयात्री आ नहीं पाए गंगोत्री धाम में, लेकिन इस बार काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे लोग गंगोत्री धाम के लिए आने शुरू हो गए हैं। इस मौके पर दोनों ही धामों को फूलों से सजाया गया। भक्तों के लिए सरकार की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी रुकावट के दर्शन कर पाए। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के मौके पर गंगोत्री धाम पहुंचे, जो भक्ति से सराबोर दिखे। यात्रा सभी यात्रियों के लिए, सभी पर्यटकों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए सुगम हो, सरल हो, सब लोग स्वस्थ आए, स्वस्थ जाए। और जो हमारा उत्तराखंड राज्य, जिसके बारे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये आने वाला जो दशक है ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उसकी ये शुरुआत हो गई है, और हमने हर प्रकार से कोशिश की है कि सभी यात्रियों के लिए यात्रा सरल और सुगम हो। हिंदू धर्म में इस यात्रा का काफी महत्व है। यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा के लिए आते हैं और इस बार भी गंगोत्री धाम के लिए अभी तक 75,000 से ज्यादा और यमुनोत्री धाम के लिए 73,000 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह काफी ज्यादा है। सरकार भी चारधाम यात्रा में इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जता रही है। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी के लिए यात्रा अच्छी हो और ऐतिहासिक हो, क्योंकि दो वर्षों के बाद यात्रा हो रही है और लोगों में बहुत उत्साह है यात्रा को लेकर। हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। जीवनदायिनी गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री दोनों उत्तरकाशी में है। माना जाता है कि इस पवित्र चार धाम यात्रा में गंगा यमुना के बाद भगवान शिव और विष्णु के दर्शन से श्रद्धालुओं के समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और आत्मा को जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन गुड न्यूज लगातार जारी है। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।